शंकर प्रकृति विदेवै सदा वंदितां सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यं पहा। साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य एक बिना पूछ का पशु होता है। ये बात गॉडेस सरस्वती इज ऑलवेज प्रोवाइड द पावर ऑफ विजडम एंड आई प्रे टू मां सरस्वती दैट फुलफिल योर माइंड विद द गुड थॉट्स। लिखा जाता है कि अनुभवहीन नर पशु समान, मतलब विद्या ऐसा है जो हमें अनुभव देता है, हमें शिक्षा इस प्रकार से व्यक्ति को एक दृढ़ संकल्प और एक शिक्षित बनाती है जिससे कि उचित अच्छे वातावरण पर पग पग पर फूल खिले, न हो कभी कांटों का सामना। आज के दिन हम सबकी यही हार्दिक शुभकामनाएं अति विनयम विनयादि पात्रदम पात्रादि धनम धनम धर्मादि धर्मादि जयम। इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या को विनम्र होकर अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी विद्या जताती विनयम विनयादि पात्रदम, यानी कि वह विद्या हमें अच्छा पात्र बनाती है। पात्रादि धनम, यानी कि जब हम अच्छे पात्र बनते हैं तो हमें धन प्राप्त होता है, यानी कि वो धन कौन सा जिससे हम, यानी कि हमें सफलता मिलती है, सफलता मिलने के पश्चात हमें जो धन प्राप्त होता है वो हम परमार्थ के लिए, सेवा के लिए उपयोग में लेंगे। तो विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रदम पात्रादि धनम धनम धर्मादि, उस धन को हम धर्म के कार्य में लगाएंगे तो धनम धर्मादि धर्मादि जय, तो हमारी जय जयकार अपने आप होगी। यानी कि धर्म जो मिलेगा उसे सेवा के कार्य में लगाएंगे तो हमारी अपने आप जय जयकार होगी। तो हमें विद्या से कितनी बड़ी मुकाम तक पहुंचने का एक पायदान मिला है, वो है कि उस धन को हम धर्म के कार्य में लगाएंगे। जिस प्रकार हमारे श्रीमान देवलाल जी सर, उनका भी एक उदाहरण इसमें आराम से दिखाई पड़ता है हमें, तो उन्होंने परमात्मा के लिए अपने धन का प्रयोग किया है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना ही है। और मतदान दिवस के उपलक्ष्य में मैंने जो कविता लिखी थी वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। चाहे कोई अजमान चाहे तो कोई विद्यार्थी बनो कि आप अपनी वीणा से इस संसार को एक वाणी प्रदान कीजिए, और तब से हम मां सरस्वती को पूजते आए हैं माघ शुक्ल पंचमी के दिन। और योर एजुकेशन अगर आपके माता पिता अगर आपके बिहेवियर से अगर दो लोग आपसे बात ही नहीं करना चाहते और आपके 92 मार्क्स है, सो सॉरी टू ऑल ऑफ यू, इट इज नॉट यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास। द लाइफ इज व्हाट यू मैक्स इट। अगर चार लोग आते हैं, मतलब विद्या वो है जो आपके मन मस्तिष्क को खोल दे। हम अपने एजुकेशन में बुद्धिज्म में जैनिज्म में हिंदू धर्म में इन सबको पढ़ते हैं तो अपन सोचते हैं इट इज द बेस्ट, वी आर कंपेयर टू ईच अदर देम, दैट इज एजुकेशन। व्हेन यू आर डिबेट एट टॉपिक, व्हेन यू आर डिबेट ऑन देम, जब आप किसी टॉपिक पे तर्क वितर्क करके एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, दैट इज एजुकेशन। आप अपने थॉट से एक कविता बना सकते हैं, दैट इज एजुकेशन। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, I say you are the topper of your class. यही कहना चाहूंगी कि अपने घर में जो सरस्वती माँ है रोजाना उनको प्रणाम करें, साथ ही अपने जो पेरेंट्स हैं बड़े बुजुर्ग हैं। तो बसंत पंचमी के इस पर्व पे विद्या की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती के इस प्रकटोत्सव को हम बसंत पंचमी के रूप में प्रत्येक वर्ष बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की देवी हमारी माँ सरस्वती है। हम जिस विद्या के मंदिर में बैठे हैं, माँ सरस्वती ही हमें वहां तक लाई है और हमें आगे जो अपना पथ है वो प्रदर्शित यही माँ करती है। तो हमें इस पर्व को बड़े धूमधाम का स्वागत और अभिनंदन, और तरसे भी मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों का अच्छा वातावरण है और इस वातावरण में इतना आशीर्वाद आज और भर दीजिए कि आपका जो वातावरण है ये कई गुना और आपको
आगे बढ़ावा मिले अगले कार्यक्रम में। इन बालकों को, इन बालक बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप जो तत्पर हैं, मैं इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती इस जग में अपनी राह बनाता है, जो अपनी राह बनाता है। ऐसे कई विद्यार्थी, ऐसे कई गुरुजन और ऐसी कई बालिकाएं हैं जो अपने पथ पर चल रही है, अपने संस्कारों को ध्यान में रखते हुए चल रही है, वो कहीं भटक नहीं रही है। मैं आज मां सरस्वती के इस दिन बार बार हमेशा ये कहता हूं कि जब तक अपने पास संस्कार है, शब्दों का चयन करते हुए आपने जो अपनी अभिव्यक्ति की है, सभी ने तालियों के द्वारा आपका मनोबल भी बढ़ाया है। ये संस्कार और ये जो बातें जो आपको सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, वो टीम सामने खड़ी है। हमें नमन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, जो हमें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, अच्छे पद पर चलाने के जो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। कोई जनता महंगे महंगे कपड़े करके अपने लिबास बदल ले, लेकिन वो तब तक नहीं बच सकता जब तक उसका करेक्टर खराब है। जब तक उसका करेक्टर खराब होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमेशा मां सरस्वती के दिन यही बात है कि आज हमें कोई अन्य बात करने का जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को अच्छी वाणी हमारी होनी चाहिए, अच्छे हमारे विचार होने चाहिए, अच्छे हमारे संस्कार होने चाहिए, ऐसी बातों को हमें अपनाने का दिन है। मां सरस्वती कृपा इस कॉलेज की कोई भी छात्र या छात्रा जीवन में आगे बढ़कर वो सफलता हासिल करेगी, तो वो हमारे लिए सबसे सुखद क्षण होते हैं, एक टीचर के लिए सुखद क्षण होते हैं कि आज देखो जिनको मैंने शिक्षा दी, जिनको मैंने संस्कार दिए, वो आज मेरे से ही आगे है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात होती है। तो प्यारे बच्चों, इस बसंत पंचमी पर शुभ अवसर पर आपने सुबह से लेकर Thank you.